नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में लोगों की आस्था का कोई जवाब नहीं है। यहां पर कई ऐसे क्षेत्रीय पर्व त्योहार मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो बिहार और इससे सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में ही खास करके मनाया जाता है, और इन क्षेत्रीय त्योहारों पर लोगों की भरपूर आस्था होती है। ऐसा ही लोक आस्था का जीता जागता उदाहरण एक पर्व है, जो सिर्फ पर्व ही नहीं महापर्व कहलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व की। इस महापर्व को मनाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। मूल रूप से प्रकृति पूजा वाले इस पर्व में हम मूर्तियों की नहीं बल्कि प्रकृति में मौजूद चीजों की पूजा करते हैं। आपने भी कभी न कभी यह जरूर सोचा होगा कि इस महापर्व को मनाने के पीछे की वजह क्या है, और आखिर क्यों तमाम सभी पर्वों में से बिहार के लोग छठ को सबसे खास मानते हैं। इन सब के पीछे कई ऐसे पौराणिक मान्यताएं हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अब जब छठ पूजा फिर से आ गया है, तो आज हम इसे मनाने के पीछे की कहानी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस पर्व से कई रोचक बातें जुड़ी हैं, इसलिए इसे आप अंत तक देखें। छठ की परंपरा से जुड़ी एक कथा भगवान श्री राम से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के कहने पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्धल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्धल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्धल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी, जिसके बाद सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से पूजा कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दूसरी कहानी महाभारत काल से है। यह बिहार के ही अंग प्रदेश, जो अब का भागलपुर का क्षेत्र है, वहाँ के प्रतापी राजा कर्ण से जुड़ी है। मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि छठ की शुरुआत महाभारत काल से ही शुरू हुई है। इसे सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे, और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यही परंपरा चलती आ रही है। कई किंवदंतियों में द्रौपदी के द्वारा भी छठ करने की बात कही जाती है। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने सूर्य की आराधना का छठ व्रत रखा था, और इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका खोया राजपाट मिला। वही आपको बता दें कि छठ पर्व को लेकर सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि यह संतान प्राप्ति और संतानों की सुख समृद्धि और दीर्घायु जीवन के लिए रखा जाता है। इससे भी जुड़ी एक कहानी पुराणों में बताई गई है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा की कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र येष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म तो दिया, पर वह मरा हुआ पैदा हुआ। जब उस मृत बालक को शोक भरे मन से राजा दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तब आसमान से तेज से भरी माँ षष्ठी देवी प्रकट हुई। उन्होंने खुद को विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका बताया, और फिर जैसे ही पुत्र के मृत शरीर को स्पर्श किया तो वह जीवित हो गया। इसके बाद से ही राजा प्रियव्रत ने राज में त्योहार मनाने का ऐलान कर दिया। बताते चले कि लोक परंपरा के अनुसार भगवान सूर्य को छठी मैया का भाई माना जाता है। सूर्यदेव समस्त जगत को ऊर्जा देते हैं, जिससे इस जगत को जीवन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ छठी मैया प्रकृति को दर्शाती है। इस प्रकृति की वजह से ही हम जीवित हैं, इसलिए इस महापर्व पर हम सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करके सब कुछ के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी छठ का यह पावन त्योहार बेहद पसंद है, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।